कि हर बिहारी को कहीं ना कहीं अदर स्टेट में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, प्रताड़ित रचकर मनीष कश्यप को फंसाया गया। कश्यप एक ऐसा चेहरा है जो ब्रांड कश्यप के समर्थक और अधिवक्ता रक्सौल के जाने माने चेहरे, और मेरे साथ में है ये, क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप के विषय में, क्योंकि दिन पर दिन क्योंकि अब तो यह हो गया कि अभी बेऊर जेल में है, क्या क्या कुछ कहेंगे अधिवक्ता साहब? देखिए, मैं तो मनीष कश्यप का प्रशंसक हूं और मैंने उनके हक मतलब अधिकार के लिए और वो जेल से रिहा हो जाए, जल्द से जल्द रिहा हो जाए, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। तो इस विषय में चाहूंगा कि मैं मनीष कश्यप के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए। अच्छा, एक चीज नहीं लगता आपको कि बेऊर जेल का मामला जो बड़ा फंसा, सुपरिटेंडेंट साहब ने ये बोल दिया कि ये मेरे पास क्यों लेके आ गए, बड़ा उस समय उथल पुथल हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा है कहीं राजनीति उसमें कहीं इन्वॉल्व तो नहीं ज्यादा हो रही है? देखिए, राजनीति एक अलग चीज हो गई, न्यायपालिका एक अलग चीज हो गया, और एक षड्यंत्रकारी जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र एक रचा गया है। इसका मतलब ये षड्यंत्रकारी कोई ना कोई एक अंदरूनी है जो इस तरह का षड्यंत्र रचकर मनीष कश्यप को फंसाया गया है। नहीं, अब ऐसे में फंसाया गया हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये लोग जब बेतिया कोर्ट से सीजीएम साहब ने क्लियरली कह दिया कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेतिया जेल में रहना है, वैसे में क्या कुछ कैसे निकल के आ गया कि बेऊर जेल तक पहुंच गए, और जब बेऊर जेल जा रहे हैं तो वहां का सुपरिटेंडेंट क्लियरली मना कर रहे हैं कि वो यहां कैसे आप लोग लेके आ गए, और 8:30-9 बजे के बीच की बात है, वैसे में उनको लग रहा है कि आखिर ये क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने षड्यंत्र से जोड़ दिया? सही बात है, षड्यंत्र तो लग ही रहा है, लेकिन वैसे में अगर पूरी अनहोनी हो जाए या किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? देखिए, तो उसके लिए तो जिम्मेवार मान लीजिए प्रशासन जो है, प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रही है, राज्य सरकार उसकी सुरक्षा कर रही है, तो जो भी है वो तो खुद जिम्मेवार प्रशासन ही होगा, उसका टोटली जिम्मेवार होगा। फिर तो वहां पे जो है न्यायालय तो साइड हो जाएगी कि हमने तो मतलब इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन। देखिए, वो मामला क्या है वो तो मान लीजिए कि रूमर भी हो सकता है या ऐसा कुछ है, तो ये तो मामला जो है न्यायपालिका जो है, बेतिया कोर्ट में भी उनका मामला है, पटना भी कोर्ट में भी मामला है, तो न्यायपालिका क्या डिसीजन हुआ है कि है कि नहीं इस बेतिया जेल में रखा जाए या पटना बेऊर जेल में रखा जाए, तो वो तो जज की मामला है, वो तो न्यायपालिका का मामला है। तो अभी दूसरी तरफ एक चीज देखिए आप, एनएसी जो एनएसी लगा हुआ है उनके ऊपर, क्या कुछ हो सकता है? लगा है क्योंकि अब तक प्रूफ तो नहीं हुआ है, नहीं एक चीज जो है प्रूफ नहीं हुआ है, तो क्या कुछ लग रहा है कि मामला एनएसी जो है एनएसी उन पे नहीं लगना चाहिए या लगता है तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल, एनएसी उन पे नहीं लगना चाहिए। आप शुभचिंतक है, बात यह है कि आप भी शुभचिंतक है, मैं भी ये कह रहा हूँ क्लियरली, मैं भी कैमरा के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है जो ब्रांड है, वो ब्रांड जो कोई ये अगर सोचता है कि सैटेलाइट चैनल वाले भी अगर कोई ये सोच बैठे अपने आप को कि मैं ब्रांड हूं, तो भाई साहब ये जरूर है कि एक यूट्यूबर ब्रांड बन गया है आज। देखिए, एक नजरिया से अगर देखा जाए, देखिए मनीष कश्यप का एक मामला जो है वो जो षड्यंत्र में फंसे हैं उसके पीछे एक और रीजन भी है, पहले वो रीजन जो है, कोई भी अगर व्यक्ति अगर एक साथ समूह बनता है तो एक संगठन का निर्माण होता है, तो मान लीजिए कि अगर अधिवक्ता है तो अधिवक्ता संगठन है, लेबर से संबंधित है तो लेबर संगठन है, महिला है तो महिला संगठन है, इस तरह का संगठन होता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। लेकिन यूट्यूबर के मामले में जहां बात आती है उसका कोई संगठन का निर्माण ही नहीं हुआ है, उससे पहले यूट्यूबर से संबंधित कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिससे ये मनीष कश्यप जो है वो बताया गया कि वो झूठे बेबुनियाद या बनावटी जो वीडियो बनाया है जो तमिलनाडु और बिहार के मामले से जोड़ा गया, तो ये जो बनाया गया यूट्यूब पे बहुत ऐसे सारे फेक वीडियो उपलब्ध हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन सारे यूट्यूबर को अरेस्ट करेगी? अच्छा, एक बात, सब पे ऐसे लगाएगी, उस पे कुछ नहीं, और वास्तविक जो सच है जिसे झूठलाया भी नहीं जा सकता है
कि हर बिहारी को कहीं ना कहीं अदर स्टेट में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, प्रताड़ित किया जा रहा नहीं लगता इनको बार बार टारगेट तो जरूर किया जा रहा था। ये मानते हैं ये जमीन से उठे हुए मनीष कश्यप है जो युवा के दिलों और दिमाग में बसे हुए हैं। अगर जैसे मान लीजिए मनीष कश्यप जो अरेस्ट हुए तमिलनाडु गए तो उनका फैन फॉलोइंग जो है कमी नजर आपको नजर आई है, कमी इससे कहीं बढ़कर अब तो और विकराल होता जा रहा है उनका जो है बिहार नहीं अब तो अदर स्टेट में इतना ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं करेंगे फैन फॉलोअर्स हो गए बिल्कुल क्योंकि इतने अटैचमेंट लोगों का हो गया है कि कमेंट्स भी उस पे आते हैं कि मनीष कश्यप को रिहाई किया जाए, मनीष कश्यप जिंदाबाद, तमाम नारे लगते हैं आने वाले। हमारे साथ में वकील साहब थे जो काफी बारीकियों से सारी बातों को समझाए हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ऐसे मुद्दों पे क्योंकि मनीष कश्यप का जो मुद्दा है उसमें जो कोई भी बेबाकी से बातचीत करना चाहते हैं उनको हमारे चैनल में हम बुलाएंगे और उनसे खास बातचीत करेंगे और आप तक